नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे जितने भी नए भाई बहन हमारे चैनल पे आए हैं उन सभी से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, भाइयों और बहनों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा हमें मदद दीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए और हमारे वीडियो को अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हमारे जितने नए भाई बहनों ने हमें सपोर्ट किया है, हमारी मदद की है, उनको हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और आप सभी अपना इतना सारा प्यार देते हैं, हमें अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आप सभी हमें अपना साथ देते हैं, इसके लिए दिल से आप सभी का धन्यवाद। हमारी प्रतिमा दीदी जी ने कहा था कि हम उनको गुड़ की जो है दूध वाली चाय बना के दिखाएं, तो दीदी जी आपको पहले हम धन्यवाद कहेंगे। और आज हम चलते हैं, आप सभी को गुड़ की दूध वाली चाय बना के दिखाते हैं। इससे पहले हमने आपको गुड़ की जो है चाय बना के दिखाई थी, जो काली वाली चाय थी, तो आप सभी ने बहुत पसंद किया था दोस्तों, और बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे आप सभी ने कमेंट किया था, उसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आज हम गुड़ की जो है दूध वाली चाय बनाएंगे, मसाले वाली चाय, कुछ मसाले भी हम उसमें डालेंगे चाय में। तो चलिए बनाते हैं, चूल्हे पे चलते हैं, फिर हम चाय को बनाते हैं। तो दोस्तों हमारी एक दीदी जी हैं जिनका नाम है तानिया सिंह, उन्होंने हमसे पूछा था कि दीदी जी आपके पति कहाँ हैं, दिखाई नहीं देते हैं वीडियो में, क्यों नहीं दिखते हैं। तो बहन हम आपसे बताना चाहेंगे कि हमारे पति जो है वीडियो में नहीं आते हैं, क्योंकि हमने उनको भी नहीं बताया है कि हमने ये चैनल बनाया हुआ है और जो है कि हम यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। हम सोच रहे थे कि जब हम कामयाब हो जाएंगे, हमारा थोड़ा सा चैनल बढ़ जाएगा, तब हम उनको बताएंगे, क्योंकि इस बारे में हमने उनसे जिक्र किया था तो वो जो है हमें डांट रहे थे, और उनको विश्वास इन सब चीज़ों पे कुछ भी नहीं है कि ये यूट्यूब पे काम करना, ये सब दिखाना, ये सब क्या करती हो क्या नहीं, ये सब क्या है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए वो वीडियो में नहीं आते हैं, क्योंकि हमने उनको बताया भी नहीं है। जब हमने उनको बताया था, जिक्र किया था, तो अच्छा उनको नहीं लग रहा था, डांट भी रहे थे हमें, तो इसीलिए वो वीडियो में नहीं आते हैं बहन। उम्मीद करते हैं कि आपने हमें देखा होगा और हमारी बातों को सुना होगा। इधर हमने पानी चढ़ा दिया है और ये देखिए हमने दूध लिया है, और ये वाले गैस पे हम दूध चढ़ा देंगे उबलने के लिए। अब हम इसमें चाय पत्ती डाल देते हैं। और गुड़ डाल देते हैं इसमें, हम इतना सा हम गुड़ डाल देंगे इसमें। और इसमें अब हम डालेंगे नमक, इतना सा नमक डाल देंगे। और ये सौंठ जो हमने पीस के रखा था, ये सौंठ डालेंगे हम इसमें। इतना डाल देते हैं। और ये हमने तुलसी के पत्ते, इसमें पानी रखा है ग्लास में, इस तरीके से डाल दिया है ताकि ये सूखे ना। और अब हम तुलसी के पत्ते डालेंगे इसमें। पहले हम इसको धो लेते हैं। हमने इसको धो लिया है और इसको डाल दे रहे हैं। और अब हम इसमें डालेंगे लौंग और गोल मिर्च। ये देखिए दोस्तों, हमने लौंग लिया है, 3 लौंग है, और गोल मिर्च है, 1 छोटी इलायची है, इसको हम पीस के इसमें डालेंगे।
तो दोस्तों इसको हमने जो है फोड़ लिया है और चाय में डाल देंगे। और ये चाय ना ठंडी के में बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पे ठंडियों के लिए बहुत अच्छी चाय होती है। ये उबलने लगा है, थोड़ा सा और उबल जाए फिर हम इसमें दूध डालेंगे। तो दोस्तों दूध हमारा उबल चुका है, गैस को बंद कर देंगे। ये वाली गिलास में हम दूध निकाल लेते हैं जितना हमको ज़रूरत है। एक गिलास निकाल लेते हैं और अब हम इसको इस चाय में डालेंगे। तो दोस्तों ये चाय हमारी उबलने लगी है, देखिए चाय बिल्कुल भी फटी नहीं है और बहुत अच्छी चाय बनेगी, ये देखिए। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। तो दोस्तों चाय को हमने छान लिया है, अब हम इसे पियेंगे। माही, मानसी, नैन्सी हमारी तीनों बेटियां जो है, माही चाय रोटी खा रही हैं अभी और मानसी तीनों चाय रोटी और चाय टोस्ट खा रही हैं जो हमने चाय अभी बनाया है। तो इन लोगों के लिए भी अच्छी है चाय ठंडी में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब हम आप सभी को अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।